एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान के कराची में एक ऐसी महिला है जिसका चेहरा तो औरत का ही है लेकिन शरीर एक लोमड़ी का है। दूर दराज से लोग इस विचित्र प्राणी को देखने आते हैं। जब से सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें आई हैं, तब से इसकी चर्चा ने और भी जोर पकड़ लिया है। जैसे ही आप कराची के चिड़ियाघर में दाखिल होंगे, आपको लाउडस्पीकर पर सुनाई देगा कि आयोजक आपसे मुमताज महल देखने की अपील कर रहे हैं। इसी इमारत में यह अजीबोगरीब जीव बैठी रहती है। इसे लोग मुमताज बेगम अफ्रीका वाली कहकर पुकारते हैं। इसे देखने जो भी जाता है, यह उसका भविष्य बताती है और दिलचस्प बातें भी करती है। यह लोगों को अपनी कहानी भी बताती है। मेरा जन्म 35 साल पहले अफ्रीका में हुआ था। मैं खाने में केक, जूस और फल खाती हूँ। यह फॉक्स वुमन अलग अलग भाषाओं में लोगों के सवालों के जवाब देती है। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो जान जाएंगे कि इसमें दिख रही महिला एक महिला नहीं बल्कि पुरुष है जिसने चेहरे पर ढेर सारा मेकअप पोता हुआ है। दरअसल यह फॉक्स वुमन असल में नहीं बल्कि महज एक किरदार है जिसे लोगों के मनोरंजन के लिए कराची के चिड़ियाघर में रखा गया है। लकड़ी के तख्ते के नीचे एक आदमी बैठा होता है जिसका सामने केवल चेहरा नजर आता है। चेहरे का मेकअप महिलाओं जैसा किया जाता है। इसके पास रखा लोमड़ी का शरीर भी नकली है। असलियत छुपाने के लिए हिजाब का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। जून के अधिकारियों ने बताया कि महिला की जगह उन्होंने पुरुष को इस किरदार में रखा क्योंकि यहां आने वाले लोग अक्सर भद्दी टिप्पणियां भी करते हैं।